गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं एकता गुप्ता, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पर क्रियाकला पीलीभीत से। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। बच्चों, हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि फल हैं, सब्जियाँ हैं, फूल, पत्ती, हम मनुष्य, उनका शरीर, कुर्सी, मेज, जो भी चीज़ हम देखें, हर किसी चीज़ में कार्बन जो होता है मूल रूप से मौजूद होता है। कार्बन जो होता है इतने सारे यौगिक बनाता है हमारे प्रकृति के अंदर। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये इतने सारे यौगिक बना पाता है। हम पढ़ेंगे कि कार्बन किस तरह के बंध बनाता है, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके अलग अलग यौगिकों के बारे में, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कार्बन में बॉन्डिंग किस तरह की होती है, कार्बन अपने यौगिकों में किस तरह के बंध बनाता है। तो बच्चों, इसके लिए हमें अपनी क्लास 9 की स्टडीज को थोड़ा रिवाइज करना होगा। क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं मूल रूप से, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन्स, एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसकी वजह से ऋणायन और धनायन बनती है और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम बनाएं तो वो है 2.4। जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 4 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले और किसमें बदल जाए, 8 में, या फिर ये अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और क्या रह जाए, सिर्फ ये 2। तो यही दो कंडीशन है जिसमें ये स्टेबल हो रहा है। लेकिन क्या 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देना और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना आसान काम है? नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की खपत होगी। इसलिए कार्बन क्या करता है, ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हमने इनसे दर्शा दिया है। अब अगर कार्बन के पास कोई और तत्व, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, जिसको हमने दर्शा दिया, तो क्या होगा, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का जितना इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयरिंग कर लेंगे। इसी तरह से माना कि 4 हाइड्रोजन आए कार्बन के पास, वो 4 हाइड्रोजन कार्बन से इस तरह से शेयरिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1, 2, 3, 4 अपने, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन। तो इस तरह से कार्बन ने अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया और ये जो बंध बनाया कार्बन ने उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं हम इसे, कोवेलेंट बॉन्ड हम इसे कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, हमने इस टॉपिक में सीखा कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होता है। पृथ्वी पर कई ऐसे तत्व हैं जो अलग अलग रूप में मौजूद होते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट्स तो सेम होती है लेकिन रूप अलग अलग होते हैं। ऐसे ही कार्बन जो होता है वो पृथ्वी पे अलग अलग रूपों में मौजूद होता है। इसके 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। पहला है डायमंड, दूसरा है
ग्रेफाइट और तीसरा एलोट्रॉप है बकमिंस्टर फल्के। ये तीन कार्बन के एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। जो डायमंड होता है उसमें एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है और इसी तरह से चेन चलती चली जाती है। हर कार्बन चार और कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह का डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। तो जब एक कार्बन चार और कार्बन से जुड़ेगा तो अपने आप ही उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। जो ग्रेफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें इस तरह से शीट्स मौजूद होती हैं कार्बन की और इन शीट्स के बीच में कमजोर आबंध होता है, वीक बॉन्ड होता है, जिसे हम कहते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस। और जो बकमिंस्टर फल्केन होता है ये 60 कार्बन एटम की एक बॉल जैसी आकृति होती है। तो बच्चों अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड का स्ट्रक्चर देखें सॉरी तो डायमंड जो होता है वो बहुत ही ठोस पदार्थ है। इनफैक्ट डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। डायमंड इतना ठोस होता है और क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायमंड जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर कार्बन की केवल 3 वैलेंसी ही सेटिस्फाई हो पाती है, 1 वैलेंसी खाली रह जाती है। इसी कारण जो 1 वैलेंसी खाली रह जाती है, जो 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, उस 1 खाली इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो ये हमने पढ़ा कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कार्बन इतने सारे यौगिक बनाने में सफल होता है। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं? कैटिनेशन, या फिर हिंदी में इसको हम कहते हैं श्रृंखला। बच्चों कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये अपने आप से, जैसे कि आपने इसके एलोट्रॉप्स में देखा, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फल्केन में देखा, ये अपने आप से ही बहुत सारे बंध बना लेता है। कार्बन अपने आप से ही बहुत लंबी चेन बना सकता है। अपने आप से ही जुड़ने की जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उसी को हम कहते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और यही कारण है कि जो कार्बन है वो इतने सारे यौगिक बना पाता है। तो समझ में आया कार्बन इतने सारे यौगिक बनाने में सफल क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के अंदर कैटिनेशन की, या फिर कहा जाए श्रृंखलन की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो बच्चों नाम से ही आपको पता चल रहा है हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन, कार्बन मीन्स आपका कार्बन तत्व के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो हाइड्रोकार्बन्स आपके वो यौगिक होते हैं जिनमें मूल रूप से हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है। इन हाइड्रोकार्बन्स को 2 में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या है? पहला है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद होता है। क्या होता है? उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें कार्बन कार्बन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। या तो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या मौजूद होता है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अब ये जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन यौगिक है इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एल्केन्स। जो डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कीन्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें हम कहते हैं एल्काइन्स। सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके क्या हो गए? एल्काइन्स। अब इन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन्स के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। एल्केन्स क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। एल्केन्स, तो कार्बन के बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जो एल्केन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इन यौगिकों का एक जनरल फॉर्मूला होता है, एक सामान्य सूत्र होता है। क्या है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला? इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। माना कि n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? C1H2 × 1+2 कितना हो जाएगा? CH4। इसी तरह से अगर n की वैल्यू आप 2 कर लो तो आ जाएगा आपका C2H6 एंड सो ऑन। एल्केन्स के बाद में आती हैं आपकी एल्कीन्स। एल्कीन्स जैसे कि बताया था, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास, अब देखिए जो एल्कीन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है कार्बन कार्बन के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? जो सबसे छोटी एल्कीन होगी उसमें कम से कम एक नहीं, कम से कम आपके कितने? 2 कार्बन एटम्स जरूर मौजूद। तो फिर C2H2 × 2 क्या बन जाएगा? C2H4। समझ में आया? इसी तरह से अगर n की वैल्यू हम कर लें 3 तो कितना हो जाएगा? C3H6। समझ में आया? फिर हम देखते हैं एल्काइन्स, इन्हें देखेंगे हम एल्काइन्स को। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जैसे कि एल्कीन्स के केस में था,
कम से कम दो कार्बन एटम जरूर होने चाहिए डबल बॉन्डिंग के लिए, वैसे ही एल्काइन्स में कम से कम दो कार्बन एटम जरूर होने चाहिए ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए। तो इसमें भी अगर हम एन की वैल्यू सपोज लगाएं आपकी 2, तो C2H2 × 2 − 2 CnH2n − 2, तो ये क्या बन जाएगा यौगिक, ये बन जाएगा C2H2 यौगिक बन जाएगा आपका। अब चलिए इनका कुछ इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है, कैसे इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, कैसे ये आपस में एक दूसरे से बंध बनाएंगे। तो सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हम एल्केन्स का। पहला एल्केन अगर हमने ले लिया सपोज CH4, जिसमें एक कार्बन एटम है, तो इसमें ये जो एक कार्बन एटम होगा वो 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा होगा, सिंगल सिंगल बंध, है ना। अगर हम ले लें C2H6, तो दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और जो कार्बन एटम की बाकी की वैलेंसी है बची हुई, एक ही तो सेटिस्फाई हुई है, कितनी सेटिस्फाई करनी है, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है हमें कार्बन की। तो ये 4 वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होंगी, हाइड्रोजन से, ठीक है। इसीलिए इसका फॉर्मूला C2H6 C2H1 2 3 4 5 6 C2H6 हो जाता है। उसके बाद अगर हम एल्कीन्स का स्ट्रक्चर देखें, जो सबसे छोटी एल्कीन अगर आप ले लो तो C2H4 कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, क्योंकि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी रह गई सेटिस्फाई होने से, 2 वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएंगी। सिमिलरली इस कार्बन एटम की भी 2 वैलेंसी रह जाती हैं जो कि हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका C2H4 एल्कीन का स्ट्रक्चर। इसके आगे वाला अगर हम देखें, अगर 3 कार्बन एटम वाली एल्कीन अगर हम देखें, तो 3 कार्बन एटम वाली एल्कीन जिसमें से 2 पहले 2 कार्बन एटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इस कार्बन एटम की वैलेंसी अगर हम सेटिस्फाई करें तो कितनी बचती है, 1 2 हो चुकी है, 3 4 सेटिस्फाइड। इस कार्बन एटम की 1 2 3 सेटिस्फाइड है, एक और हाइड्रोजन लगा दिया तो चौथी भी सेटिस्फाइड हो गई। इस कार्बन एटम के पास सिर्फ एक ही वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है, तो 1 2 3 4 इसकी चौथी वैलेंसी भी ऐसे सेटिस्फाइड हो गई। तो ये क्या हो गया, C3H1 2 3 4 5 6 H 6 C3H 6। समझ में आया सबको। अब हम देखेंगे एल्काइन्स के स्ट्रक्चर। एल्काइन्स में सबसे छोटा ले लेते हैं, सबसे पहले 2 कार्बन एटम का एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। इस कार्बन एटम की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, एक बचती है जो कि हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगी। सिमिलरली इस कार्बन एटम की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, एक बचती है जो कि हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये C2H2। ऐसे ही अगर हम 3 कार्बन एटम वाला एल्काइन ले लें, तो 1 2 3 जो पहले 2 कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जो पहला कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी 3 सेटिस्फाइड है, एक और सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन आ जाएगा। दूसरा वाला कार्बन एटम अगर आप देखें तो 1 2 3 4
चारों वैलेंसीज इसकी सेटिस्फाइड है ऑलरेडी। जो तीसरा वाला कार्बन एटम है उसमें एक सेटिस्फाइड है, दो तीन चार वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, और अगर आप इसको देखोगे तो इसमें एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा एल्काइन्स का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जिसमें हम पढ़ेंगे इन हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब इन हाइड्रोकार्बन्स को हम किस तरह से नाम देते हैं। तो इन हाइड्रोकार्बन्स को नाम देने के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया जाता है। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर देखें तो जो कार्बन एटम्स हैं, जितने कार्बन एटम्स हमारे पास उस यौगिक में मौजूद है जिसका हमें नाम देना है, उसके आधार पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर एक है तो हम उसके लिए यूज करते हैं मेथ, दो है तो एथ, तीन है अगर तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट। इस तरह से ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्रीफिक्स हो जाते हैं। अगर एक कार्बन एटम का यौगिक है तो मेथ यूज करेंगे, दो कार्बन एटम का है तो एथ यूज करेंगे, तीन कार्बन एटम के लिए प्रोप यूज करेंगे, चार कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट और एट के लिए ऑक्ट। प्रीफिक्स हमें मिल गया, जो हमारा सफिक्स होगा एन के लिए, एल्केन्स के लिए जो हमारा सफिक्स यूज होता है वो होता है हमारा एन। क्या सफिक्स यूज होता है एल्केन के लिए? एन। तो अगर हमारा सपोज कंपाउंड जिसका हमें नाम लिखना है वो है CH4 जो कि एक एल्केन है, तो कितने कार्बन एटम है? एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम के लिए प्रीफिक्स मेथ, और क्योंकि एल्केन है इसलिए सफिक्स ए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। ऐसे ही अगर हम दो कार्बन एटम वाला एल्केन ले लें तो दो कार्बन एटम्स के लिए एथ, और क्योंकि एल्केन है इसको अगर आपको श्योर भी होना है कि ये एल्केन है कि नहीं, तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था एल्केन का उससे आप इसको मैच करा सकते हो, एथ और एल्केन का सफिक्स एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथ एन। इसी तरह से अगर ये तीन कार्बन एटम वाला एल्केन है, C3H8 है अगर ये, तो क्या नाम हो जाएगा? तीन कार्बन एटम के लिए प्रोप और एल्केन्स के लिए ए, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। एल्केन्स की बात हो गई, सबको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाएगा। एल्कीन्स वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। जो एल्कीन्स होती हैं
उनमें जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो होता है ई। तो सबसे छोटा एल्कीन दो कार्बन एटम्स का C2H4, फिर से ये एल्कीन है उसे कंफर्म करने के लिए आप इसको इसके जनरल फॉर्मूला CnH2N से मैच करा सकते हो। दो कार्बन एटम्स के लिए F, क्योंकि ये एल्कीन है उसका सफिक्स E, तो क्या हो जाएगा Ethene। अब तीन कार्बन एटम का या फिर अगर हम देखें यहाँ पे चार कार्बन एटम का एल्कीन तो C4H8। चार कार्बन एटम के लिए ब्यूट और क्योंकि ये एल्कीन है तो सफिक्स E, तो क्या नाम हो जाएगा इसका ब्यूट इन। एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो चार कार्बन एटम का अगर एल्कीन है तो इनमें जो डबल बॉन्ड मौजूद होगा ना वो पहले और दूसरे कार्बन एटम पे ही मौजूद होगा, तभी इसका नाम ब्यूटीन है। और क्लास 10th लेवल पे आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि आपका डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन एटम के बीच में ही मौजूद है। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड किसी और पोजीशन पे भी हो सकता है, तो उसका नाम हम अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं कार्बन एटम की पोजीशन बता के। तो ये हो गया एल्कीन का नामक्लेचर। अब हम आगे बढ़ते हैं एल्काइन्स पे। एल्काइन्स, इनके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं? एल्काइन्स के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं आइन। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज C2H2, दो कार्बन एटम का अगर एल्काइन है तो क्या नाम होगा? दो कार्बन एटम के लिए एथ और क्योंकि एल्काइन है तो सफिक्स क्या आ जाएगा आपका आइन, क्या नाम हो जाएगा एथ आइन। इसी तरह से अगर आपका सपोज पांच कार्बन एटम का एल्काइन है तो क्या हो जाएगा आपका? पांच कार्बन एटम के लिए पेंट और क्योंकि एल्काइन है तो इसलिए सफिक्स क्या हो जाएगा आइन, तो क्या हो गया नेम उसका पेंटाइन। यहां पे भी जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो पहले और दूसरे कार्बन एटम के बीच में ही मौजूद होता है। अब बच्चों ये तो हमने हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पढ़ लिया, जिनमें जो कार्बन होता है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कार्बन सर्किल बना लेता है, एक साइकिल बना लेता है, जैसे कि इस तरह से जो कार्बन है वो इस तरह से यौगिक में लगे कि उन्होंने एक बंद स्ट्रक्चर बना लिया। तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही देख लीजिए, एक कार्बन एटम दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बाकी दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इस तरह से सभी कार्बन एटम्स के साथ होगा। अब इसका अगर हम नाम देखेंगे तो क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये एक तरह से एल्केन ही, लेकिन क्योंकि एक साइक्लिक फॉर्म में है तो ये आपका क्या है? ये है आपका साइक्लो एल्कीन। अगर और स्पेसिफिकली इसका नाम लिखें तो ये हो जाएगा साइक्लो, कितने कार्बन एटम वाला एल्केन है? चार। चार के लिए ब्यूट और एल्केन के लिए इन, तो इसका नाम है साइक्लो ब्यूटेन। समझ में आया? इस तरह से जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है या फिर साइक्लो एल्केन्स है वो कम से कम तीन कार्बन एटम्स के होते हैं और फिर कितने भी कार्बन एटम्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। ये एक आपको मैं एरोमेटिक स्ट्रक्चर है जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, छह कार्बन एटम का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है, इसे हम कहते हैं पेन सी। इसका क्या नाम है?
इसका नाम है बेंजीन, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। ये उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 कार्बन एटम साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। अब ये हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइक्लोएल्केन्स का भी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया। अब बच्चों क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, लेकिन कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो अपने साथ हैलोजन्स को भी जोड़ सकता है या फिर तत्वों के समूह को भी जोड़ सकता है। किस तरह से? जो उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है उसे रिप्लेस करके, प्रतिस्थापित करके। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 कार्बन एटम का एल्केन है, इथेन 2 कार्बन एटम है तो इसलिए इथेन। इसमें से अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा दें और इस हाइड्रोजन की जगह हम यहाँ पे ले आए क्लोरीन को, तो ये क्या बन गया? ये आपका बन जाता है हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन। हेलो वर्ड हमने यूज किया है इस हेलोजन के लिए। आपको पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजन्स के ग्रुप होते हैं। जब ये आके हाइड्रोजन की जगह किसी भी हाइड्रोकार्बन में लग जाते हैं तो वो उसे किसी भी एल्केन में लग जाते हैं तो वो उसे हेलो एल्केन बना देते हैं। अब अगर इस हेलो एल्केन का हम नेम लिखेंगे तो सीएल के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो, ऐसे ही बीआर के लिए हम यूज करते हैं ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं फ्लोरो, आयोडीन के लिए हम यूज करते हैं आयोडीन। ओके, तो अब ये हमारा अगर ये स्ट्रक्चर है तो हमारा इसका नाम आ जाएगा, पहले हम इसको लगाएंगे क्लोरो और फिर बाद में जो इसका एक्चुअल नाम था 2 कार्बन एटम का एक और सारे सिंगल बॉन्ड्स का एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरो इथेन। इसी तरह से अगर कोई भी हैलोजन लगा हो तो उसका हम नाम पहले लगा के जो उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसका नाम यूज करेंगे। तो ये हो गई बात आपके हेलो एल्केन्स की। इसके बाद हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स पे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप्स तत्वों के समूह होते हैं जो कि यौगिकों को एक विशेष तरह का गुण, एक विशेष केमिकल प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं। जैसे कि पहला फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ रहे हैं हम? फंक्शनल ग्रुप्स, हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो अगर हम पहले लें एल्कोहल, एल्कोहल जो होता है वो होता है OH। तो अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में, सपोज ये है हमारा कार्बन कंपाउंड, इसमें अगर ये हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसकी जगह एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए OH, तो ये एल्केन ना होके अब ये क्या बन चुका है? अब ये एक एल्कोहल बन चुका है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो जब एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो लास्ट में हम वर्ड यूज करते हैं ऑल। किस तरह से? जब ये 3 कार्बन एटम का एल्केन था तो उसका क्या नाम था? 3 कार्बन एटम के लिए प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यही नाम था इसका। लेकिन जब ये अल्कोहल बन चुका है तो एन में से हम ई हटा देंगे और ई की जगह क्या कर देंगे हम? जो अल्कोहल के लिए यूज होता है ऑल। तो अब इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉल। फिर से प्रोपेनॉल ये तभी होगा जब आपका OH पहले कार्बन एटम पे लगा हुआ है। और इस क्लास के लिए आपके लिए सफिशियंट है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो पहले कार्बन एटम्स पे लगे हुए
इस तरह से आप किसी भी अल्कोहल का नेम कर सकते हैं। अगर चार कार्बन एटम का अल्कोहल है तो ब्यूटेन और ई हटा के और क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो वो है एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, जो कि होता है CHO ग्रुप। इसमें भी सपोज ये चार कार्बन एटम का एल्केन है हमारे पास, जिसमें सारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और इसकी जगह क्या लगा दिया जाए, आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब आप कहोगे कि यहाँ तो पांच कार्बन एटम्स हो गए। बिल्कुल सही बात है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है क्योंकि उसमें भी कार्बन एटम है तो वो कार्बन एटम की भी काउंटिंग की जाती है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, एक दो तीन चार पांच कार्बन एटम का कंपाउंड। तो पांच कार्बन एटम के लिए क्या यूज करेंगे हम, पेंट। अगर ये एल्केन होता तो क्या नाम होता उसका, पेंटेन। लेकिन क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो ई हटा देंगे और एल्डिहाइड में हम यूज करते हैं अल्क। क्या यूज करते हैं एल्डिहाइड्स के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए हम यूज करते हैं अल्क। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनल। सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम आते हैं एल्डिहाइड्स के बाद, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा है कीटोन्स का। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स। तो कीटोन्स होता है, अगर उस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है। इट मींस कार्बन के दोनों साइड में कार्बन की ही श्रृंखला होनी चाहिए। इस कारण से जो सबसे छोटा एल्केन होता है वो तीन कार्बन एटम का होता है। उसके इधर इधर कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, लेकिन जो सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कीटोन जो होगा वो होगा आपका तीन कार्बन एटम्स का। इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो तीन कार्बन एटम्स के लिए प्रोप, अगर एल्कीन होता तो क्या होता, प्रोपे। लेकिन क्योंकि ये कीटोन है तो कीटोन के लिए हम यूज करते हैं ऑन, ओ एन ई। तो ई हटा के क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इस तरह से हम बाकी कीटोन्स का भी नेम कर सकते हैं। कीटोन्स के बाद आते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि होते हैं सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ ओ एच। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी कार्बन है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इधर साइड में अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो ये भी एक कंपाउंड बन जाता है, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम है। इसका क्या नाम हो जाएगा, अगर ये एल्केन होता तो क्या नाम होता इसका, मिथेन। लेकिन क्योंकि एसिड है तो ई हटा के एसिड के लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। इसी तरह से अगर दो कार्बन एटम का है तो जाएगा इथेन ओइक एसिड। इथेन में से ई हटा देंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, इथेनोइक एसिड। तो ये सब हमने पढ़ा कार्बन यौगिकों के नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है आपका कार्बन कंपाउंड्स की होमोलोगस
सीरीज, या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समजातीय छेली। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जो ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स, जैसे कि अगर हम एल्केन्स ही ले लें, एल्केन्स का ग्रुप, इस सीरीज में जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन वो किससे डिफर करते हैं? वो डिफर करते हैं सिर्फ CH2 से। एक कार्बन और दो हाइड्रोजन से डिफर करेंगे, लेकिन सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है तो उनके फंक्शनल ग्रुप सेम रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया C2H4, इसके आगे की होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स बनाइए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ इसमें CH2 ऐड करते चलना है। C2H4 नेक्स्ट क्या हो जाएगा? CH2 ऐड करना है तो C3H6 नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसमें CH2 ऐड करिए, C4H8 एंड सो ऑन। तो ये आपकी किसकी हो गई? ये C2H4 क्या था हमारा? C2H4 एक एल्कीन है, ठीक। ऐसे ही अगर हम एल्केन्स में देख लें, तो पहला जो मेंबर है होमोलोगस सीरीज का वो क्या होगा? CH4। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि एल्केन सीरीज का पहला, एल्केन होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर बताइए, तीसरा मेंबर बताइए। तो पहला हो गया CH4, दूसरा मेंबर CH2 ऐड कर दीजिए C2H6, तीसरा फिर से CH2 ऐड कर दीजिए C3H8 एंड सो ऑन। एल्केन्स का अब अगर हम देखें एल्काइन्स का, तो एल्काइन्स में अगर पूछा जाए आपसे कि होमोलोगस सीरीज में पहला मेंबर कौन सा है, तो पहला मेंबर क्या होगा आपका? C2H2, क्योंकि एक कार्बन एटम की एल्काइन नहीं होती, एक कार्बन एटम का एल्कीन नहीं होता। दूसरा मेंबर कौन सा होगा? CH2 ऐड कर दीजिए इसमें C3H4, नेक्स्ट C4H6 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गए आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के होमोलोगस मेंबर्स। ऐसे ही जो फंक्शनल ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप एल्कोहल्स देख लो, तो उनके भी होमोलोगस सीरीज होती है। एल्कोहल्स में सबसे छोटा CH3OH, नेक्स्ट मेंबर CH2 ऐड कर दिया C2H5OH, नेक्स्ट मेंबर CH2 ऐड कर दिया C3H7OH एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आपसे एल्डिहाइड का भी लिख सकते हो आप, एल्डिहाइड की अगर होमोलोगस सीरीज पूछा जाए, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका HCHO जो पहला मेंबर होता है, नेक्स्ट मेंबर में CH2 आप और ऐड कर दोगे, इस तरह से। तो इस तरह से आपकी एल्डिहाइड्स की होमोलोगस सीरीज बनके तैयार हो जाएगी। अब अगर नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि कीटोन्स, कीटोन्स की होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर कौन सा होगा, तो वो होगा आपका 3 कार्बन एटम वाला कीटोन, क्योंकि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप का ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके दोनों साइड में कार्बन एटम की श्रृंखलाएं होनी चाहिए। तो ये थी आपकी होमोलोगस सीरीज, जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन वो किससे डिफर करते हैं? सिर्फ CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आज आपने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा।